हेलो, वेलकम बैक टू सपना विशाल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है भाई मेरे ब्लॉग में। आज मैं थोड़ा जल्दी ब्लॉग लेके आ रही हूँ क्योंकि कुछ कंटेंट मिल जाता तो ब्लॉग करने में मज़ा भी आता है ना, बताने में, दिखाने में, सब कुछ मज़ा आता है। और ये क्या बन रहा है तो मेरे यहाँ उधर वो चावल बॉयल हो रहे हैं, इधर ये थोड़े चावल बन चुके हैं, इधर ये सब्जी बन रही है और ये पनीर है और ये मटर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतना पनीर मटर कौन खाएगा। आज मैं अपना एक अजीबो गरीब रिश्ता दिखाऊंगी आपको, जो कि अभी मैंने नहीं दिखाया है। मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी। ये भी एक सस्पेंस है, तुरंत बता दूंगी तो आप लोग क्यों देखोगे, है ना। लेकिन अजीब है, अजीब है, देखोगे तो मजा। मैं किचन में चुपचाप से क्यों लगी हूँ? क्योंकि आज मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं। मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, मेरे कॉल आया तो फिर मैंने तुरंत लाइव एंड कर दिया और फिर मैं तैयारियों में लग गई क्योंकि कुछ अलग रहता है, थोड़ा अलग बनाओ सुनाओ। चलो ऐसे तो दाल सब्जी रोजी इंसान अपने घर में खाता है। उसके बाद मैं लग गई फटाफट से तैयारियों में क्योंकि वो घर से निकल चुके थे। तब उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैं आ गया हूँ, यहाँ से निकल लिया हूँ। उसके बाद ये मैंने इनको बोला था कि प्याज ले लेना, मैं पूजा कर रही थी, उन्होंने 2 kg प्याज लिया। ज़रा प्याज का आप साइज़ देखो। मैं इनसे बोलने लगी ना तो कह रहे तुम्हारे जैसे मैं मोती जैसे चुन के नहीं लेता हूँ, वो सब्जी वाला भी परेशान हो जाए कि मैं प्याज नहीं दूँगा। मैंने उससे कहा भैया भर के दे दो, उसने भर के दे दिया। भाई वो क्यों अच्छे देगा, वो तो खराब ही खराब निकालेगा। तब तक कॉल आया कि मैं यहाँ आ गई तो उनको रास्ता नहीं पता था, तो मैंने इनको लेने के लिए भेज दिया कि जाओ ले आओ। ये लेने के लिए निकल गए। तब तक मैं ऐसे पर्दे वर्दे सही कर रही क्योंकि घर में सफाई पे तो बिल्कुल भी नहीं, समय ऐसा काम ही चल रहा है कि सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तब तक मैं किचन में जल्दी जल्दी से नाश्ते पानी का इंतजाम करने लगी क्योंकि समस्या ये हो जाती कि मैं अकेली थी घर में और बैठ के बातें करूँ कि नाश्ता लगाओ, तो समय पहले से ही रेडी कर रही थी। तब तक आवाज़ आई कि मैं आ गई। हाँ बहुत बिजी हो ना तुम लोग। अरे हमारे घर में बैठी हमें हमें आपके छूने चाहिए। देखो अब फोन करी 12 बजे, हम वहाँ गए काम में, उनके आने के बाद मैं इतनी बातों में हम लोग लीन हो गए कि मुझे याद ही नहीं था कि नाश्ता देना है, यही हो जाता है। इसीलिए मैं पहले से ही रेडी करके रख ली। फिर वो विशाल ने बोला कि अरे भैया पानी वानी दो आगे। फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ पानी भी देना है। शिकवा शिकायत चालू थी कि तुम नहीं आए, फिर तुम नहीं आए, तुम इतने साल हो गए, हाँ ये होता है, पर मिलो ना तो बातें हो। भैया मैं तो बोलती भी बहुत ज़्यादा हूँ, ये मुझे बाद में ही पता चलता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। अभी मैंने इसी में देखा तभी मुझे अपने आप पर वो लग रहा है कि मैं बहुत बोलती हूँ। फिर मैं गई पानी लेके, हमने कहा भैया पानी दे दे सबसे पहले। ब्रह्मा भी उतर आए ना तब भी भैया ये सारी खानदान के आदमियों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो बढ़िया स्कूल गई क्या? हाँ अभी आ जाएगी, कल डीए मॉडल आ गया, 9th है, अब तो बड़ी है। बच्चे बढ़ने में भैया टाइम दो। हाँ अब देखो भावना, देखो भावना, देखो इसको क्या नाम बिटिया का? हाँ पीहू को देखो, भावना ही ना पीहू को देखो। अभी हम लोगों को तो अभी शादी ही दिमाग में नाच रही की तो भावना की शादी होती है। कैसे निकल के जाता पता ही नहीं। हाँ बिटिया बिटिया बड़ी होने वाली है, कंधे तक आ गए। मेरा बाबू स्कूल से आ गया, फिर मेरी बहुत सारी हेल्प कर दी, बोली मम्मा आप पूड़ी निकालो, ला मैं फटाफट से जीजा और दीदी को खाना लगा के देती हूँ। लेकिन वो लोग खा ही नहीं रहते, चाची आप भी आओ साथ में ही खाना खाते हैं। फिर मैंने बहुत सारी पूड़ी बनाई और पूड़ी बना के सबका एक साथ में खाना निकाला और सब साथ में मिल के खाया। इधर ये ज़मीन में बैठ के खा रहे, खाना नीचे ही खाते हैं, और ये इधर भावना और
मेरे दामाद जी खाना खा रहे, उसके बाद खाना पीना हो गया। हमने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उनको बुला रहे, नहीं चाची ठीक है। हमने कहा चलो अंदर चलते हैं फिर, क्योंकि अंदर में बहुत सारा पंजौरा करना होता है तो लेट के बहुत सारी बातें हो जाती हैं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा, क्योंकि दामाद जी की भी डे में थी, नाइट में थी, और मेरी भी नाइट में थी। हाँ देख किसके लिए लेके जा रहे हो? हाँ हाँ वो भी ला रहे, वो भी ला रहे, खाओ ले साली, रसगुल्ला खिला रही, मना कर रहे। अच्छा रख दो रख दो, भावना तुम खाओ, ले आओगी निकाल लो दोनों। तब तक मेरे घर की बेल बजी है, पार्सल वाले भैया आए थे, मैंने एक्सचेंज किया था कपड़े अपने, और अब कि ये अच्छे लेके आए, तो हमने कहा भैया थैंक यू अच्छे कपड़े लाने के लिए, तो कह रहे ख़राब होता है मैम आप कंपनी में कंप्लेन किया करिए, तो हमने कहा नहीं चलो अच्छा आ गया कोई। ये हम है, ये गेस करो कौन है, ये हम है, ये हमारी बेटी है, वो हमारा दामाद है, ये छुपा रिश्ता था, छुपा रिश्ता। आज ओपन ना बताओ, इतने सालों से हमारी बेटी कहाँ थी, बाहर गई थी हमको छोड़ के, दामाद लेके चला गया था, अब लेके आई है। देखो लग रही ना, लग नहीं रही ना बेटी, पर है ये बेटी है, वो दामाद है, क्योंकि ये बेटी पड़ी है, कूड़ा पड़ा है कूड़ा। अब बेटी की बेटी नहीं है, सोचो भी एक 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 रिश्ता भी और कम था, सोचो नानी भी है ना, पर नहीं दिखा पाए, हमारी नाती नहीं आ पाई है, आएगी तो हम आपको मिलवाएंगे। बेटी से मिल लिया ना, दामाद से भी मिल लिया, दामाद बेचारे नाइट की करके आए, हमारे जैसे, हमारे दामाद की और हमारी कंडीशन एक ही है, दोनों एक जैसे हैं, बेटी ऐस कर रही जैसे हमारे पति देव ऐस कर रहे हैं। और बेटी की बेटी जब आएगी तो हम आप लोगों से मिलवाएंगे, हैं? हम इसको जानते भी नहीं कौन है, देखो जरा खुलिया देखो, जो काम कर रहे हैं उनका मेंटेन देखो, और जरा इनका मेंटेन देखो, आज हमारा काम देखो कितना खतरनाक काम दादा ने कर दिया, एकदम मिसाल देने वाला। ये बिजली की मेन लाइन है हमारी तरफ, ये देखो गई, आज हमारा ये काम फाइनल हो गया। हाय करो हाय। दिखा रहे कि कितना खतरनाक काम हो गया आज। मिस्त्री दादा ने कर दिया हमारे, कोई नहीं जो कर रहा था वो हमारे दादा ने कर दिखाया है, बहुत खतरनाक काम, सराहनीय काम है भाई। एक ये बैठे, ए ऐसा करो। फिर हो गई थी शाम, मैं अंदर चाय चढ़ा के, मैं कैसे बैठी हूँ, मुझे कौन देख के बोलेगा कि ये सासू माँ बैठी ज्ञान दे रही है, ज्ञान देने से लग रहा होगा, बट जिस स्टाइल में मैं बैठी हूँ उसको मैं अभी एडिटिंग के समय देख रही हूँ, तो मुझे खुद में हंसी आ रही कि आए रे, वो तो कुछ मान मेडिकल लाइन की बातें हो रही, तो कह रहे थे हाँ चाची मेरे पास वीडियो है मैं दिखाता हूँ आपको, और भावानंद बिल्कुल सुम दुम बैठी है, हमारे बोलने के आगे किसी की चली नहीं रही, मतलब मुझे अपने आप को देख के आ जाती, ठीक जब वो शगुन मिलेगी आके तब अपना निपटना, ठीक है। नहीं रख, रसगुल्ले लेके आई थी, ठीक है, शगुन रसगुल्ले खाए। मैंने बेटी दामाद को गिफ्ट दिया चलते समय, क्योंकि दामाद जी मेरे पहली बार आए थे, तो जाहिर सी बात बनता है, तो मेरी बेटी कह रही है ना मैं शगुन का रख के जा रही हूँ, चाची शगुन आए तो दे देना, मैंने कहा बहुत मारूंगी भी, शगुन हो तुम बहन बहन हो मिलती रहती हो, कह रहे हो जीजा जी उसके बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता चाची, हमने कहा नहीं ऐसा ही होता है, हम तुमसे थोड़ी ना ले सकते, तुमको तुम्हारी साली मिले तब तुम अपना निपटना, और फिर टाटा बाय बाय करके फिर ये लोग चले गए, क्योंकि बेटी भी घर पर थी उनकी, तो बाय बाय बोल के गेस्ट चले गए। और गेस्ट में कौन आया था गेस करके बताओ, गेस्ट में हमारी बेटी थी और हमारा दामाद था और हमारी नाती नाइनी थी, सोचो मैं सासू माँ हूँ, सासू माँ मतलब हमारी बेटी, और हमारी जेठानी के मतलब बेटी दामाद थे, तो जेठानी के बेटी दामाद मतलब मेरे बेटी। और ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग देख के ज़रूर बताना, और ये मेरा अजीबोगरीब रिश्ता भी आपको कैसा लगा है देख के ज़रूर बताना, और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए सपना के चैनल, सपना विशाल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे सबको।